जब भगवान राम ने श्रीलंका में रावण का वध किया तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा और उस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और रामेश्वरम वही जगह है जहां पर भगवान राम ने शिव की आराधना की और एक शिवलिंग स्थापित किया जिसे आज आप रामेश्वरम मंदिर के नाम से जानते हो। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में पूरा हुआ। द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर देखने में बहुत प्यारा लगता है और इसका गोपुरम लगभग 100 फीट ऊंचा है। क्या आपको पता है आज भी पानी के अंदर इस जगह पर वो पुल बना हुआ है जिसे पार करके भगवान राम श्रीलंका गए थे। कुछ लोग इसे मिथ मानते हैं और कुछ लोग इसे सच्चाई। क्या सच में भगवान राम इसी ब्रिज से होकर श्रीलंका गए थे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।